बस उठने के साथ ही नमाज पढ़ी एंड देन फिर हमारा क्या काम है, वही काम है, यही काम है हमारा। तो और हमारे घर में जो है ना वो हो गई है चटनी खत्म। ये वाले जो आलू है ना ये 60 रुपए हैं, और ये वाले जो आलू है ना ये आप लोग देख सकते हैं कितने हसीन हैं, ये भी 40 रुपए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में, टिप टॉप। और भाई क्या हो रहा है? मैं तो फिलहाल अभी बस थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, तो बस उठने के साथ ही नमाज पढ़ी एंड देन फिर हमारा क्या काम है, वही काम है, यही काम है हमारा। तो बस फिलहाल जो है वो आहिल को खाना खिलाना है, तो आहिल को खाना खिला के देन मैं किचन में जाऊँगी। और हमारे घर में जो है ना वो हो गई है चटनी ख़त्म, क्योंकि हमारे घर में चटनी ऐसे खाई जाती है बिल्कुल पानी की तरह। ये लोग तो ऐसे फ्री हैंड होके चटनी खाते हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कितनी मेहनत से बनती है। खैर बहरहाल अभी मुझे वो बनानी है, तो वो एक बहुत बड़ा मिशन है, वो सबसे मुश्किल काम है। तो खैर बहरहाल ये काम करते हैं देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग देखते रहें व्लॉग और इन्जॉय करते रहें। A few moments later. हाँ जी, तो अभी जो है मैं मास को खाना खिला रही हूँ, इनको खिलाना पड़ता है अपने हाथ से खुद, ये बहुत नन्हे चूचू हैं हमारे घर के ना, लेकिन इनकी हरकतें माशाल्लाह हैं। बहरहाल मास को खाना खिला के मुझे थोड़ी सी लेनी है सब्ज़ी, तो आए मेरे साथ वाटर पम्प चलें, मैं आप लोगों को थोड़ा सर्वे करवाती हूँ और बताती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी महंगी मिल रही है। चलें आए वाटर पम्प चलते हैं, ठीक है। क्या रुपये दिए आलू? 40। कौन से वाले? ये वाले जो आलू है ना वो 40 रुपये हैं, और वो वाले जो आलू है ना वो कितने दिए तुमने? दुकान से आएंगे लोग, से नाम बताओ। 60 रुपये। नाम बताओ तो नाम। ये वाले जो आलू है ना ये 60 रुपये हैं, और ये वाले जो आलू है ना ये आप लोग देख सकते हैं कितने हसीन हैं। कहाँ से आते हैं? ये भी 40 रुपये जैसे कहना चाहिए। आप आलू के प्राइस देख लें। हाँ ये मैं आपको बताऊंगी कि प्याज जो है ना वो 150 की 2 किलो मिल रही है और 80 रुपये किलो मिल रही है, क्योंकि मैंने अभी प्याज लिए तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, शायद किसी के घर में ख़त्म हो गई हो प्याज या किसी के घर में नहीं हो। बहरहाल मैंने सोचा कि मैं बताऊं। और बाकी जो है वो टमाटर जो हैं वो 60 रुपये मिल रहे हैं, मिर्चें जो हैं वो 30 रुपये पाव मिल रही हैं। तो वाटर पम्प से अभी वापस आए हैं और ऐसी कोई ज़बरदस्त वाली थकर हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर बहरहाल जो है अब जो है वो मुझे जो है मास को थोड़ा सा पढ़ाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मास को पढ़ा लूँ देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि मास ने जो है वो कुछ पेंटिंग्स और ड्राइंग करी है ना, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग देखें। Thank you.
तो भाई आप लोगों को कैसी लगी मास की जो है वो ड्राइंग, और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मास जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मास बोले आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम बाजार में भी हम यहाँ पर लेके हुए फ्रेंड्स हैं, और जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे माशाल्लाह से मास्क के बारे में बताते रहते हैं। वेल, अपने कमेंट्स को इसी तरह जारी रखें, और प्लीज़ जो देख रहे हैं वो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो है आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे। यहाँ व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मास्क को पढ़ाना है, और पढ़ाई सबसे पहले है, बाकी काम सबसे बाद में। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग थोड़ा छोटा है मेरा, और आप लोग देखिएगा मैंने आप लोगों को प्राइसेस भी मेंशन किए वाटर पंप के जो मैं गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि शायद मेरी वजह से किसी को फायदा हो जाए। ये कि थोड़े थोड़े चीज़ों में प्राइस कम हुए हैं, ये हमारे लिए ही अच्छा है। तो ये कि बाकी देखें क्या होता है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।